अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स व्यूअर्स, आज मैं अपने किचन में आप लोग के लिए बड़ी अच्छी चटपटी सी एक रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बच्चों बड़ों में सब में फेमस है और बहुत मज़े की बनती है। ये मैं बना रही हूँ स्पाइसी सालसा। ये स्पाइसी सालसा जो है वो न सिर्फ टोटीला चिप्स के साथ अच्छे लगते हैं, बल्कि आप किसी भी नॉर्मली जो हमारे प्रिंकल्स या नॉर्मल चिप्स होते हैं उसके साथ भी आप ये खा सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने पहले ही एक छोटा टमाटर जो होता है पैन में डाल लिया है, और ये बिल्कुल समझे इसमें मैंने ऑयल नहीं डाला, ये विदाउट ऑयल बनेगा, ठीक है। ये जो चॉप टमाटर हैं ये मैंने पहले डाल के देखिए इस तरीके से मैश कर लिए हैं, और ये थोड़े थोड़े से आपके सामने गल गए ना इसमें। अब जो है मैं इसमें मसाले डालना शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ चाट मसाला लूँगी, हाफ टी स्पून ले लूँगी। हाफ टी स्पून बहुत होगा चाट मसाला, क्योंकि हमने इसमें जो है वो जलपेनो जो हमारी चिलीज हैं ग्रीन चिलीज वो भी हम यूज़ करेंगे, तो वो ज़रा तेज़ होती है और खट्टी भी होती है ना, तो इसलिए आप ज़रा इसमें रेड चिली पाउडर बिल्कुल नहीं डालिएगा, यही काफ़ी रहेगी। अच्छा, यहाँ मैं ये ले रही हूँ हाफ टी स्पून ही जीरा पाउडर, बड़ा अच्छा है, इससे एक टेस्ट आएगा जीरा पाउडर से भी। और यहाँ मिक्स हर्ब्स ले लेते हैं, या आपके पास कोई भी ओरिगेनो रखा हुआ है वो ले लें, ये भी हाफ टी स्पून ही लूँगी, बहुत अच्छा इससे टेस्ट आएगा। थोड़ा सा मैं यहाँ सीजनिंग लूँगी, सीजनिंग पाउडर है मेरे पास बिल्कुल मामूली सा, 1/4 ले लूँगी या हाफ ले लें जैसे भी आप चाहें, इसमें नमक ज़रा तेज़ होता है, ध्यान से डालिएगा। ओके, ये देखिए टमाटर हमारे अच्छे खासे टेंडर हो चुके हैं। थोड़ा सा मैं इसमें लूँगी केचप, और केचप मैं यहाँ लूँगी तकरीबन जो है वो 1/4 कप ले लूँगी, 1/4 कप से मुराद है तकरीबन 4 टेबल स्पून। ओके, बहुत मज़े का यम्मी सालसा बनेगा ये। इसी तरीके से आप इसमें ऑप्शनल मैं बताऊं क्रीम भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं मेयोनीज डालूंगी, मुझे मेयोनीज का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। ये भी मैं 1/4 ही कप 4 टेबल स्पून लूँगी, अगर आप चाहें तो क्रीम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से बना के देखिएगा, आपको ये सालसा बहुत पसंद आएगा। बिल्कुल थोड़ा सा नमक चुटकी ले लें, इसलिए क्योंकि देखें नमक जो है वो चाट मसाले में भी होता है, और नमक जो है जो हमने अभी सीजनिंग डाला है उसमें भी मौजूद है, तो ज़रा ध्यान से। टमाटर का टेस्ट भी आपको पता खट्टा होता है केचप का, तो ज़रा नमक जो होता है वो आप ध्यान से डालिएगा। अच्छा, ये मेरी सॉस जो है बहुत ज़्यादा हमने नहीं पकानी, बिल्कुल हल्की सी पकानी है, और ये हल्की सी जब ठंडी हो जाएगी तो मैं आपको बताऊँ, तो मैंने लिया है कुकम्बर इसमें हाफ कप जो होता है एक ले लें दरमियाना, ये टमाटर लिया है एक दरमियाने साइज का सब चॉप्ड कर लिया है, ये प्याज ली है मैंने 3-4 टेबल स्पून, ये भी ऑमलेट की तरह चॉप कर लिया है। यहाँ मैंने ये जलेपिनो जो मेरी चिलीज हैं ग्रीन चिलीज, ये बहुत तेज़ हैं और खट्टी भी हैं, और बहुत ज़्यादा बच्चों के देख के डालिएगा अगर आप बच्चे आपके नहीं खाते, मैं बिल्कुल थोड़ी सी ले रही हूँ जायके के लिए। ये मेरी हो गई, मैं बंद कर रही हूँ, सिर्फ 2 मिनट ही आपने इसे कुक करना है, इसे थोड़ा सा आपने ठंडा कर लेना है ना, जब ये ठंडा हो जाएगा फिर हम ये सारी जो हमारी वेजिटेबल्स हमने काट के रखी है ना, खीरा वगैरह टमाटर, फिर ये हम इसमें डालेंगे। व्यूअर्स, मैं इसे ना डिश आउट कर लेती हूँ ताकि थोड़ा ना ठंडा हो जाए। व्यूअर्स, ये देखिए ये तकरीबन ठंडा हो गया है, अब मैं इसमें मिला लेती हूँ ये जो मेरे ये बताई थी आपको वेजिटेबल, थोड़ी थोड़ी इसमें मेरे प्याज है, ये कुकम्बर है, और थोड़े से मैंने ये टमाटर लिए हैं, बहुत अच्छी लगेगी आपको ये, आप खा के देखिएगा बताइएगा, बच्चों बड़ों की सबकी फेवरेट है ये, और ये जलेपिनो चिलीज हैं, और ये अच्छी तरीके से आप मिला लें। बहुत अच्छी बनी है, मैंने इसको अभी टेस्ट भी किया है, ये बिल्कुल रेडी है, मैं से आपको सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए मैंने टोटीला चिप्स ले लिए हैं आपके सामने हैं, आप चाहें कोई से भी अपनी पसंद के ले सकते हैं। ये देखिए इसको इस तरीके से हम ना सर्व करेंगे, इसके साथ खाए जाते हैं ये इस तरीके से, ये देखिए ऐसे, ये हमारे घर में बिल्कुल भी नहीं बचते, मेरे हस्बैंड को भी पसंद है, और बच्चों को तो आपको पता ही चीज़ें बड़ी फेवरेट होती हैं। सो करीब से देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं, बड़े जायकेदार बने हैं, बड़ा टेस्ट आपको इसका यूनिक लगेगा, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसे लगे। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट रेसिपी लेकर हाजिर हूँगी, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।